नवजोत कौर जी, आप मिडफील्डर पोजीशन पे खेलती हैं, हरियाणा को बिलोंग करती हैं। नवजोत कौर जी आइए। नवजोत जी, नवजोत जी के बाद नमिता टोपो जी से आग्रह है कि आप आएं। नवजोत जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करेंगी नमिता टोपो जी। आप भी ओडिशा से हैं, मिडफील्डर हैं और यहां मौजूद हैं। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें नमिता टोपो जी का। हमारी महिला हॉकी एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली एक और खिलाड़ी मोनिका जी, मूलतः हरियाणा से खेलती हैं, मिडफील्डर हैं। मोनिका भी यहां मौजूद हैं। मोनिका जी अब नमिता जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करेंगी। हर बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह से आशीर्वाद देते हैं तो 31 लाख रुपए उसमें होते हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। हमारी डिफेंडर झारखंड से निक्की प्रधान जी, निक्की प्रधान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करती हुई। अनदर बिग स्टार गुरजीत कौर जी, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एकमात्र गोल करने वाली, अर्जेंटीना के विरुद्ध गोल करने वाली, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध 2 गोल करने वाली गुरजीत कौर, मूलतः पंजाब से डिफेंडर पोजीशन पर खेलती हैं। एक और खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी में एसोसिएट सदस्य के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, ई रजनी आंध्र प्रदेश से हमारी दूसरी गोलकीपर ई रजनी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। नवनीत कौर जी हरियाणा से हैं, फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं और आयरलैंड के विरुद्ध उन्होंने 1 गोल किया ओलंपिक के इस यात्रा में। ई रजनी जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं नवनीत कौर जी। नवनीत जी के बाद नेहा जी, नेहा जी भी हरियाणा से हैं, मिडफील्डर के तौर पर मैदान पर होती हैं। आपने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध मैच में, जिसे भारत ने 4-3 से जीता था, 1 गोल किया था। नेहा जी, जोरदार तालियां नेहा जी के लिए। मिजोरम से फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाली लाल रेमसियामी जी, मिजोरम से, जोरदार तालियों से आइए इनका अभिनंदन करें। एक और खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी से जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, रीना खोखर जी पंजाब से हैं, डिफेंडर पोजीशन पर खेलती हैं, वो हैं नहीं इसलिए कप्तान रानी रामपाल उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगी। रीना खोखर जी का डिफेंडर हरियाणा से उदिता जी, उदिता जी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगी। और उदिता जी के बाद झारखंड से सलीमा टेटे मिडफील्डर के तौर पर मौजूद रहती हैं फील्ड पर, सलीमा टेटे। सलीमा जी हमारी फॉरवर्ड शर्मिला देवी, आज वो यहां नहीं है, कप्तान रानी रामपाल जी उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगी। शर्मिला देवी, शर्मिला देवी जी का पुरस्कार कप्तान रानी रामपाल ग्रहण करेंगी। और इस लिस्ट में जिनके साथ हम यहां से विदा होंगे, निशा जी हरियाणा से मिडफील्डर हैं। निशा जी सादर आमंत्रित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आदरणीय बत्रा जी। अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने आशीर्वचन दें। हमारी खेल मंत्री, जिनके बारे में पिछली बार मैंने कहा था कि
कि जब मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में खेलों को कौन आगे बढ़ाएगा, तो मुझे एक ही नाम ध्यान आता है और वो है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। शायद उस समय मैंने एक उपमा दी थी, आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा था कि यशोधरा जी खेलों में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना। वो दिन और रात खेलों के बारे में सोचती हैं, बहुत गहराई तक जाती है। बत्रा जी ने बिल्कुल सच बताया, अरे एक जुनून है कि नहीं ये तो करना ही है, और इसलिए वो आगे कदम बढ़ाती है। मैं उनको सहयोग करता हूं। ऐसी मेरी बहन यशोधरा जी,